तो आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर की समरी। तो डीप वाटर की समरी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं एक 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 पॉइंट की बात करूंगा और आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो डीप वाटर है वो आपकी फ्लेमिंगो बुक का थर्ड लेसन है और इसके जो राइटर है वो है विलियम डगलस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर डीप वाटर का जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कौन है? तो पहला पॉइंट हो गया विलियम डगलस। तो आपको विलियम डगलस करके याद रखना है। मैं एक एक पॉइंट की बात करते हुए चलूंगा, देखते हुए जाइएगा कि कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि इसका इसमें जो हीरो बनेगा या इसमें जो अपना मेन करेक्टर है, मेन पात्र है, मेन व्यक्ति है, उसके बारे में मैं बताया जाता है कि जब वो बंदा 3 या 4 साल का था, मतलब विलियम डगलस की बात ही हो रही है कि जब वह 3 या 4 साल का था तब क्या होता है। 3 या 4 साल की अवस्था में हमें बताया जाता है लेसन में कि उसके पिताजी उसको एक बीच पर लेके जाते हैं। BECH, बीच। बीच का मतलब होता है समुद्री किनारा। ये वर्ड आपको ऐसे कैसे याद करना है, BECH, बीच। बीच मतलब समुद्री किनारा। उसको समुद्री किनारे की तरफ वो लेकर जाते हैं और वो जो समुद्री किनारा है वो है कैलिफोर्निया का। इसका मतलब पार्ट विदेशी है। पार्ट कौन सा है? पार्ट विदेशी है, मतलब कैलिफोर्निया के बीच पर विलियम डगलस के पिताजी विलियम डगलस को लेकर जाते हैं। वहां पर क्या होता है कि जब वो समुद्री किनारे पर खड़े रहते हैं तो समुद्र की लहरें आती है और समुद्र की लहरों को इंग्लिश में बोला गया वेव। तो एक लहर, ए वेव, एक लहर आती है, नॉक्ड, उससे टकराती है, डाउन, उसे नीचे गिरा देती है। एक लहर उससे टकराती है और उसको क्या कर देती है, नीचे गिरा देती है। यहाँ पर जो मी लिखा हुआ आ रहा है वो विलियम डगलस बोल रहा है कि एक लहर ने मुझे नॉक डाउन कर दिया, नॉक डाउन कर दिया, नॉक डाउन कर दिया। अब ये वर्ड याद करना है नॉक डाउन, KNOCK, नॉक, DOWN, नॉक डाउन। नॉक डाउन का मतलब नीचे गिराना। इसी के जैसा एक वर्ड और देखने को मिलता है, नॉक अगेंस्ट। नॉक अगेंस्ट का मतलब होता है पानी की लहर आकर उससे टकराई, उससे टकराई। तो एक पानी की लहर मुझसे आकर टकराती है, ऐसा हमें पाठ में बताया जा रहा है। तो जब पानी की लहर उससे टकराती है तो क्या होता है, वो पानी के अंदर गिर जाता है और जैसे ही पानी के अंदर गिरता है उसकी श्वास निकल जाती है। उसको श्वास नहीं आती है तो उसकी अंग्रेजी क्या है, ब्रीथ वॉज गॉन, मतलब ब्रीथ उसकी आउट ऑफ हो गई, निकल गई। तो ब्रीथ वॉज गॉन, उसकी जो श्वास है, उसकी जो ब्रीथ है, गॉन, चली जाती है, उसको श्वास आना बंद हो जाता है। तो ब्रीथ वॉज गॉन, ब्रीथ वॉज गॉन, ब्रीथ वॉज गॉन, उसकी जो ब्रीथ होती है गॉन, चली जाती है, श्वास निकल गई भाई साहब, अब क्या हुआ। फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही पानी की लहर ने मुझे मुझसे टकराई, मैं गिरा और गिरते ही जैसे मैं जमीन में लेटा, मतलब गिरा, तो जमीन में गिरने की अंग्रेजी बोला गई है ब्यूरिड। ब्यूरिड का मतलब होता है गाड़ देना, जैसे किसी को हमने जमीन खोदा, कोई भी वस्तु को गाड़ दिया, तो ब्यूरिड इन द वॉटर। तो वो जो विलियम डगलस है, पानी की लहर उससे टकराई और वो गिरा, तो पानी की लहर ने उसको गाड़ दिया। कहने का मतलब पानी उसके ऊपर निकल गया, पानी उसके ऊपर आ गया, वो पानी के अंदर गड़ा का गड़ा ही रह गया, पानी में डूब गया, कहने का मतलब। ठीक है, ये बात हुई खत्म। जैसे ही पानी उसके सिर से निकला या उसको गाड़ दिया या पानी में डूब गया, तो टेरर, टेरर का मतलब होता है भय, डर। टेरर का मतलब क्या होता है, डर या भय, कि डर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में क्या बैठ गया, टेरर बैठ गया, TERROR, टेरर। टेरर का मतलब डर, उसके हृदय में क्या बैठ गया, उसके हृदय में डर बैठ गया, हार्ट, HEART, हार्ट, उसके हृदय में क्या बैठ गया, उसके हृदय में डर बैठ गया। चलो सर ठीक है, टेरर इन माई हार्ट, मेरे हृदय में डर बैठ गया, ऐसा विलियम डगलस हमें बताते हैं। जब वो 3 से 4 साल की अवस्था में थे तो उसके पिताजी उसको एक बीच पर लेकर गए, उस बीच का नाम था कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के बीच पर वो उसको लेकर जाते हैं, वहां पर वो खड़ा रहता है, एक पानी की लहर आती है, वेव आती है, उससे टकराती है, उसको नॉक डाउन कर देती है, वो ब्यूरिड इन वाटर, पानी में गड़ जाता है, उसकी श्वास, ब्रीथ वॉज गॉन, श्वास चली जाती है, और टेरर इन माई हार्ट, और उसके हृदय में क्या आ जाता है, डर बैठ जाता है और डर समा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हुई। फिर क्या होता है, फिर हमें बताया जाता है कि वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो बड़ा होने पर फिर जो उसकी माँ है, वो माँ हमेशा उसको वॉर्न किया करती थी, वॉर्न, वॉर्न का मतलब हमेशा उसको वार्निंग दिया करती थी, WARNING, वार्निंग का मतलब माँ हमेशा उसको चेतावनी देती थी।
माँ उसको हमेशा चेतावनी देती थी कि वहां मत जाया कर, वहां डर है, पानी का डर है, वहां मत जाया कर, ऐसे माँ कहती थी। माँ कहती थी कि तू याकीमा, ये याकीमा रिवर इज टेचरस। माँ कहती थी जैसे कि हमारे यहाँ शिप्रा नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, तो नदी का नाम है वहां पे याकीमा रिवर, याद रखिएगा याकीमा रिवर, या की माँ। ये याकीमा क्या है कि सर याकीमा एक रिवर है और नदी के लिए क्या कहा गया है कि नदी ट्रेचरस है। अब तुमसे पूछा जाएगा ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है, ट्रेचरस का मतलब होता है डरावनी है, डेंजरस है, ठीक है। याकीमा रिवर इज ट्रेचरस, TREACHERO US, ये स्पेलिंग याद कर लेना, अच्छी स्पेलिंग है। तुमसे पूछा जाएगा ट्रेचरस का मीनिंग, TREACHERO US, ट्रेचरस का मतलब हो गया डेंजरस, DANZERO US, डेंजरस। तो याकीमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, ट्रेचरस है, ट्रेचरस है, क्या है, ट्रेचरस है, याकीमा रिवर ट्रेचरस है, डेंजरस है। तो याकीमा रिवर को क्या बताया गया है कि सर याकीमा रिवर ट्रेचरस है, डेंजरस है, ओके। इसके बाद में आगे बात होती है कि सर याकीमा जो नदी है, याकीमा जो रिवर है, वहां पर एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, कृत्रिम स्विमिंग पूल बना दिया लोगों ने, वहां पर थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से एरिया बनाया, एक स्विमिंग पूल बना दिया। उस स्विमिंग पूल का नाम क्या है, SWIMMING, स्विमिंग पूल। याकीमा रिवर के ऊपर, याकीमा रिवर के ऊपर एक पूल बनाया गया, किस पे बनाया गया है पूल, याकीमा रिवर पर। याकीमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, डेंजरस है। तो याकीमा नदी पर जो पुल बनाया गया है, उस पुल का क्या नाम है, YMCA। ये आपको ऐसे कैसे याद करना है, YMCA पुल कहाँ बनाया गया है कि सर YMCA पुल याकीमा नदी पर बनाया गया है। याकीमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, ट्रेचरस क्या होता है, डेंजरस है, ओके। जब याकीमा रिवर ट्रेचरस है तो माँ उसको वार्निंग क्या करती थी, बेटा वहां मत जाया कर, लेकिन ये विलियम डगलस यहाँ आया करता था, कहाँ, YMCA पूल में आया करता था। उसका कहना था कि माँ याकीमा रिवर पर जो पूल बनाया गया है वो पूल सेफ है, वो पूल सुरक्षित है, जो पूल बनाया गया है वो पूल क्या है, वो पूल क्या नाम, सुरक्षित है, ऐसा वो अपनी माँ को कहा करता था कि माँ वो जो पूल है वो सुरक्षित है। तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें पूछा जाएगा सुरक्षित क्यों है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, YMCA पुल सुरक्षित क्यों है, तो इसके तीन चार कारण है। YMCA पुल में बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्टर है, तैरना सिखाने वाले लोग वहां पर है ना, तो हमें बताया जाएगा कि वहां पर इंस्ट्रक्टर्स है। याकीमा रिवर पर कौन है, इंस्ट्रक्टर्स है, इंस्ट्रक्टर्स का मतलब क्या होता है, स्विमिंग सिखाने वाले लोग, मतलब ए टाइप टीचर टाइप के लोग है ना, टीचर जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो ये लोग तैरना सिखाते हैं। वहां पर लाइफ गार्ड्स है, गार्ड्स का मतलब आप जानते हैं स्कूलों वगैरह में गार्ड होते हैं, हर जगह गार्ड होते हैं, तो वहां पे लाइफ गार्ड्स है ना, कोई डूबने वाला होता है तुरंत उसको बाहर निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं, तो वहां पे लाइफ गार्ड्स हैं। वहां पर शेलो वाटर है, शेलो वाटर का मतलब होता है शुरू के किनारे पर कम गहरा और बाद में धीरे 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 गहरा होता जाता है। तो ये तीन वर्ड आपको याद करने, क्वेश्चन का आंसर है ये कि याकीमा रिवर पर बनाया गया पूल जो YMCA पूल है, स्विमिंग पूल है, जो कृत्रिम पूल है, वो सेफ क्यों है, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्टर्स है, वहां पर सेफ गार्ड्स है, वहां पर कौन है, वहां पे लाइफ गार्ड्स है, और वहां पर कौन है, वहां पे शेलो वाटर है, शिथिला पानी है, शेलो वाटर है, ठीक है सर। फिर क्वेश्चन आता है, फिर बात आती है इस लेसन में, फिर आगे बात होती है नदी का क्या नाम है कि सर नदी का नाम याकीमा रिवर है। याकीमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, ट्रेचरस का मीनिंग क्या होता है, डेंजरस होता है। याकीमा रिवर पर कौन सा पुल बनाया गया है, सर YMCA पुल बनाया गया है। YMCA पुल सेफ क्यों है, क्योंकि वहां पर इंस्ट्रक्टर्स है, वहां पे लाइफ गार्ड्स है, और वहां पर शेलो वाटर है, ठीक है। और पूछा जाता है और बताया जाता है याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस, याकीमा रिवर कैसी है, ट्रेचरस है, ट्रेचरस का मतलब क्या हो गया कि सर डेंजरस है, क्या है, ट्रेचरस का मतलब डेंजरस है। फिर और आगे बात बढ़ती है, पार्ट और आगे बढ़ता है, हमें बताया जाता है कि बचपन में जब वो 3 या 4 साल का था, तब उसके पिताजी उसको कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेके जाते हैं, वहां पर पानी की लहर उससे टकराती है और वो नीचे गिर जाता है, डूब जाता है। अब जब वो 11, 12, 13 साल का हो जाता है, तो एक बार उसके साथ में क्या घटना घटती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वंस, वंस मतलब एक बार, एक बार क्या होता है कि वो YMCA पूल पर था, अकेला ही था, कोई वहां था नहीं, तो
तो आप जानते हैं तैरते हैं तो सिर्फ शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं, हल्के छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो उसको वो एकदम पतला दुबला था, एकदम पतला दुबला था, है ना, एकदम स्किनी था, एकदम स्किनी बंदा था वो। SKIN NY, स्किनी का मतलब होता बहुत ज्यादा थिन, बहुत ज्यादा पतला था। तो वो क्या बोलता है, एक बात बोलता है वो कि आई सबड्यूड माई प्राइड, ये बोलता है वो, इंग्लिश में बोलता है आई सबड्यूड माई प्राइड। तो तुमसे पूछा जाएगा वॉट इज द मीन, क्या मतलब है आई सबड्यूड माई प्राइड, इसका मतलब है पुट प्राइड डाउन, मैंने मेरे प्राइड को पुट डाउन, नीचे कर लिया बाई फोर्स, मतलब मैं एकदम नंगा सा खड़ा था वहां पे, पतला दुबला सा, गंदा सा, बेकार सा लग रहा था। तो अब लग रहा था तो लग रहा था कि आखिर पतला दुबला हूं, लग रहा था तो लग रहा था। तो फिर वो क्या बोलता है कि आई सबड्यूड माई प्राइड, मैंने मेरे प्राइड को, मेरे घमंड को दबा लिया कि यार अब लग रहा हूं तो लग रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि पुट प्राइड डाउन बाई फोर्स, ताकत के साथ में मैंने मेरे प्राइड को दबा लिया। चलो अब क्या होता है, सर वो वहां पर अकेला बैठा हुआ है और कोई वहां पर है नहीं, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो अकेला था, अलोन था, थोड़ी देर बाद में एक बड़ा सा लड़का आता है, बिग बॉय, एक बहुत बड़ा सा लड़का आता है, मतलब थोड़ा मजबूत सा लड़का आता है, 18-20 साल का कोई, 18-1 साल का कोई लड़का आता है। वो लड़का उसको वहां पर देखता है और बोलता है हाय स्किनी, अरे ओए पतले दुबले छोरे, आता है उसको उठाता है और उसको टॉस कर देता है, टॉस मतलब उसको उछाल देता है, उसको फेंक देता है। वो आता है और एक स्ट्रॉन्ग सा बॉय आता है और थ्रू हिम, उसको थ्रू मतलब फेक, थ्रो की सेकंड फॉर्म है, उसको थ्रो कर देता है इनटू द डीप वाटर। शुरू के किनारे पर 3 से 4 फीट गहरा है, याकिमा रिवर पर जो पुल बनाया गया है YMCA, वो शुरू के किनारे पर 3 से 4 फीट गहरा है, बट आगे जाकर 9 फीट गहरा है। तो वो आता है, उसको टॉस करता है और थ्रो फेंक देता है, और उसकी चीख निकलती है रॉब, और ऐसा कुछ होता होगा शायद से, है ना, तो थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, वो उसको डीप वाटर में फेंक देता है। और लो भाई साहब अब क्या हुआ, फेंक तो दिया, फेंकने से क्या हुआ, स्लो वाटर, जैसे ही उसको मतलब पानी में फेंकेगा तो वो अब क्या प्लानिंग करेगा, तो जैसे ही डूबता है स्लो वाटर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तुमसे पूछा जाएगा स्लो, SWALLOW, इसका मतलब होता है निगल जाना, गिट जाना, क्या गिट जाता है, क्या निगल जाता है, अरे पानी में डूबेगा तो पानी ही निकलेगा, तो वो पानी निकलता है। अच्छा उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया तो क्या, उसको तैरना तो आता नहीं, ही डिड नॉट स्विमिंग, ही डिडंट नो स्विमिंग, ही डिड नॉट नो स्विमिंग, उसको स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग नहीं आती है, तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, DROWN, DROWN, ड्रोन, ड्रोन का मतलब डूबना, और ये सेकंड फॉर्म है ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड, वो लगभग लगभग डूब गया था पानी में। उसके साथ में ये दूसरी घटना, पहली घटना जब वो शुरू में बचपन में 3-4 साल का था, अब 11-12 साल का है, तो दूसरी घटना उसके साथ में घटी, डूब गया बेचारा, तैरना नहीं आता उसको। तुम सोचकर देखो, तुम्हें तैरना नहीं आता है तो क्या हो, क्या हुआ, ऑलमोस्ट ड्रॉन, लगभग लगभग डूब ही गया था, लगभग लगभग क्या हो गया था, डूब ही गया था। ये उसके साथ में बहुत ही भयंकर मिस एडवेंचरस हुई, दुर्घटना होना, मिस एडवेंचरस। तुमसे पूछा जाएगा दूसरी उसकी मिस एडवेंचरस क्या थी, कि एक बार वो याकिमा रिवर पर बने हुए पुल, YMCA स्विमिंग पूल में अकेला था, एक बड़ा सा लड़का आया उसको उछाल कर पानी में फेंक दिया और वो डूब गया। ये उसका दूसरा मिस एडवेंचरस था। पहला मिस एडवेंचरस कैलिफोर्निया बीच पर, उसके पिताजी उसको लेकर जाते हैं, एक लहर आती है उससे टकराती है और उसको उसको क्या कर देती है, नॉक डाउन, नीचे गिरा देती है, ब्यूरिड इन द वॉटर, और पानी में डूब जाता है वो। ये दूसरी मिस एडवेंचरस है, मिस एडवेंचरस, मिस एडवेंचरस, मिस एडवेंचरस, मिस एडवेंचरस, दुर्भाग्य मतलब दुर्घटना, ये उसके दूसरी दुर्घटना उसके साथ में हुई थी। ही गॉट अफ्रेड, जैसे उसको पानी में फेंका गया, जैसे उसको पानी में फेंका गया, वो क्या हो गया, ही गॉट अफ्रेड, डर गया भाई साहब, जैसे ही उसको पानी में फेंका गया वो डर गया, क्योंकि उसको पता तो था ही कि यार अब मुझे तैरना तो आता ही नहीं है, अब मेरा क्या होगा। ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया। लो भाई साहब डर गया, डर तो गया, लेकिन उसने अपना माइंड नहीं खोया, उसने अपना दिमाग नहीं खोया, डिडंट लूज हिज माइंड, अपना माइंड, लूज हिज माइंड, आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ, आउट ऑफ माइंड नहीं हुआ, लूज हिज माइंड, लूज मतलब खो देना, माइंड मतलब दिमाग, अपना दिमाग नहीं खोया उसने। ही गोट अफ्रेड, वो डर गया, बट ही डिड नॉट लूज हिज माइंड, लेकिन अपना माइंड, अपना दिमाग उसने खोया नहीं, वो सचेत, वो चेतना में था, वो जानकारी में था कि यार कुछ ना कुछ तो करूंगा, प्लानिंग करता है फिर वो।
वो जैसे ही उसको फेंका गया, इतनी दूर में वो प्लानिंग कर लेता है कि जैसे ही मैं पानी में जाऊंगा मेक ए बिग जंप, जैसे ही पानी में नीचे जाऊंगा मेरा अंगूठा सरफेस पे टकराएगा और मैं जंप करके वापस से बाहर आ जाऊंगा। लेकिन कोई जंप नहीं किया जाता। वो जो 9 फीट गहरा जो वो YMCA पूल था, वो उसको क्या पता कितना गहरा लगने लग गया। आधे रास्ते में ही गया यार, श्वास निकल गई उसकी, फेफड़े फूल गए उसके, आंखें बाहर आ गई उसकी, और अब बारह बारह हो गई उसकी। अब क्या करें, पानी में किसी को आवाज भी नहीं लगा सकता है, श्वास नहीं आ रही, आंखें बाहर आ जाएगी, और बाहर क्या क्या हो जाएगा उसके साथ, तो बहुत ही भयंकर होगा भाई साहब। है सोच के डर लगता है भाई साहब। है मैं के बिग जंप की, मैं जंप करूंगा जंप करूंगा जंप करूंगा, और जंप करते ही सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पे आ जाऊंगा, सरफेस पे आ जाऊंगा, सरफेस है ना, सर के चेहरे पे आ जाऊंगा, सरफेस है ना, सिर पे आ जाऊंगा, मतलब बाहर आ जाऊंगा, सतह पर आ जाऊंगा, कि मैं जंप करूंगा और मैं सतह पे आ जाऊंगा, मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। कैसे आ जाऊंगा, जैसे कि एक प्लास्टिक की बॉल नहीं होती क्या, बॉल चीड़ी फुद्दी, अपन खेलते ना रैकेट, तो वो होती है चीड़ी बुद्धि जिसको अपन बोलते हैं, वो पानी में तैरती रहती है। तो लाइक ए कॉर्क, मैं कॉर्क के जैसे आ जाऊंगा। कैसे आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, कि मैं जंप करूंगा सरफेस पे आ जाऊंगा और लाइक ए कॉर्क आ जाऊंगा, लाइक ए कॉर्क, कॉर्क के जैसे मैं आ जाऊंगा, ऐसा उसने बोला। चलो सर ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। फिर क्या बोलता है, जैसे ही मैं सरफेस पे आऊंगा, सरफेस पे आऊंगा तो मैं यू पेडल मारूंगा, हाथों से नहीं पैरों से, पैरों से पेडल मारूंगा। अरे साइकिल नहीं चलाते कैसे, पेडल मारते हैं, पेडल तो वही पेडल इंग्लिश का वर्ड है, पेडल मारना इंग्लिश का वर्ड है। पेडल टू द एज, एज मतलब किनारा, मैं किनारे पे आ जाऊंगा ऑफ द पूल, मैं पूल के किनारे पे आ जाऊंगा, पेडल मारकर, पेडल मारते 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 एज ऑफ द पूल, एज ऑफ द पूल, एज ऑफ द पूल, एज EDZ, एज, एज मतलब किनारा, किसका किनारा, पूल का किनारा, क्या करके आ जाऊंगा, पेडल मार के, PADDLE, पेडल मार के मैं समुद्री है ये अपना जो पूल है उस पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। लेकिन 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 नहीं आया भाई साहब। प्लानिंग तो तगड़ी करी थी, जंप करूंगा बाहर आऊंगा, कॉर्क के तरह आ जाऊंगा और पेडल मारते हुए बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन कौन सा, कुछ नहीं हुआ। आधे रास्ते में उसको लगने लग गया, और भाई रे सर पे वो तल कब आएगा, तल कब आएगा, तल कब आएगा, कोई तल वल नहीं है। आगे बाहर आ गई उसकी, फेफड़े बाहर निकल गए उसके, हवा निकल गई वहीं पर उसकी, सीटी पीटी गुम, सफोकेटिंग होने लग गई उसको, सफोकेटिंग, कैसा कैसा महसूस हो गया, घुटने लग गया, जीव घुटने लग गया उसका, जीव घुटना, सफोकेटिंग, SUFFO, SUFFOCATING, सफोकेटिंग होना, सफोकेटिंग, लिख लो लिख लो लिख लो, बार बार लिखो, सफोकेटिंग सफोकेटिंग सफोकेटिंग, SUFFOCATING, उसको सफोकेटिंग होने लगी, उसको क्या होने लगी, उसको सफोकेटिंग होने लगी, उसकी श्वास बाहर निकल गई, उसका जीव घुटने लग गया भाई साहब, दम घुटने लग गया उसका, पानी के अंदर श्वास नहीं आ रही, अब क्या करे, हालत हो गई उसकी खराब, जीव निकल गई बाहर, आंखें आ गई बाहर, भाई साहब बहुत ही बुरी स्थिति हुई उसके साथ। कितनी बार वो पानी के अंदर डूबा और उसको कहीं ना कहीं टच हुआ होगा, तो वापस उसने जंप किया होगा, लेकिन उसकी नाक तक बाहर नहीं आई। दोबारा गया, फिर आया, तीसरी बार गया, फिर आया, भाई साहब हवा टाइट, बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, नाक तक बाहर नहीं आई। एक बार उसकी नाक बाहर आई तो उसने श्वास लेने की कोशिश करी, बट भाई साहब क्या, पानी ही निकला वो, स्लो स्वलो स्वलो स्वलो, वाटर वाटर, सिर्फ पानी ही, आंखें खोलकर देख रहा है तो पानी ही पानी है, सब कुछ खत्म, कुछ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी ही पानी है। वेंट डाउन थर्ड टाइम, कितनी बार वो पूल के अंदर डूबता है, 3 बार, बाहर नहीं आया, बस ऊपर नीचे ही हो रहा है पानी के अंदर, 3 बार, थर्ड टाइम 3 बार वो पानी के अंदर डूबता है, भाई साहब हो गई हवा टाइट, खत्म, ही सो टिंज। अब वो जैसे एक बार उसने आंखें खोली, आंखें खोली तो उसको टिंज नजर आया, TING। अब तुमसे पूछा जाएगा टिंज का मीनिंग क्या होता है, टिंज का मीनिंग कलर होता है, तुमसे पूछा जाएगा टिंज, TING, ये तुम्हें याद करना है, टिंज का मीनिंग क्या होता है, कलर, COLOUR। उसको सिर्फ पानी के अंदर पानी नजर आया, एक बार जरूर उसको थोड़ा सा कलर, कुछ कलर, कलर सा पीला पीला सा कुछ कलर नजर आया, टिंज टिंज नजर आया, कलर, एक बार उसको पानी के अंदर कलर नजर आया भाई साहब, हवा टाइट हो गई, उसको पैरालिसिस आ गया पानी के अंदर ही, अब हाथ काम काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, जवान बाहर आ गई, आंखें बाहर आ गई, भाई साहब बेहोश हो गया, खुद बाहर नहीं आया, टेकन आउट बाहर निकाला गया द पूल, क्योंकि वहां पर कौन थे, लाइफ गार्ड्स भी थे,
वहां पे इंस्ट्रक्टर भी हुआ करते थे, लाइफ गार्ड्स भी हुआ करते थे, है ना। शेलो वाटर था लेकिन उसकी किस्मत थी उस दिन कोई नहीं था। फिर न जाने किसने टेकन आउट द पूल, उसको पूल से बाहर निकाला। और वो जो बिग बॉय था, उस बिग बॉय ने कहा भाई वो जस्ट ओनली किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे दादा भाई ये कोई मजाक होती है, तूने तो आयार उछाल दिया बेचारे को, है। उसको बाहर निकाला गया, ही गॉट अफ्रेड, भयंकर अफ्रेड, खतरनाक लेवल पर अफ्रेड, डर गया भाई साहब, गॉट अफ्रेड, डर गया, हालत टाइट हो गई उसकी। उस रात बेचारे ने कुछ नहीं खाया, एट नथिंग, कुछ नहीं खाया। एट मतलब खाना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। उस रात उस बेचारे ने कुछ भी नहीं खाया। अरे कहाँ से भाएगा भाई साहब, अभी अभी यमराज जी के दर्शन करके आया, अभी अभी यमराज जी के दर्शन करके आया, खाएगा कहाँ से, कुछ नहीं खाया उसने। उस रात वो अपसेट हो गया पूरा, भयंकर रूप से अपसेट, टेंशनाइज हो गया, खतरनाक लेवल पे टेंशनाइज हो गया, वेरी वीक। उस दिन उसको ऐसा लग रहा था आज मैं दुनिया का सबसे वीक प्राणी हूं, बहुत ज्यादा वीक उसने फील करा। उस दिन के बाद में पानी को देखते ही पैरालिसिस आ जाता था, मिर्गी का दौरा आने लग जाता था उसको, पानी पानी को देखते ही, पानी 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 पानी, बावड़ा हो गया, अवॉइड वाटर, वाटर को अवॉइड करने लग गया, पानी से बचने लग गया वो। अब वो पानी से बचने लग गया, अब वो पानी से बचने लग गया। अब धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन यार पानी के बिना क्या है भाई साहब। कहीं तुम घूमने जाओ पानी वाले इलाके में और वहां पर तुम एंजॉय नहीं कर पाओ क्योंकि तुम्हें तो पानी दिखते, पूरा पानी, पूरा पानी। उसकी हालत ऐसी थी बेचारे। समय बीतता गया, धीरे धीरे खत्म होता गया, अनेबल टू एंजॉय, उसका एंजॉय खत्म हो गया यार। अब वो एंजॉय नहीं कर पाता था, अनेबल टू एंजॉय, एंजॉय कर ही नहीं पाता था पानी की एक्टिविटी का। अच्छा पानी की एक्टिविटी क्या होती है, स्विमिंग पानी की एक्टिविटी है, बोटिंग पानी की एक्टिविटी है, वो तिकोनी नाव लेकर नाव चलाने वाली एक्टिविटी, तो ये तीन चार नाम है ये याद करने हैं आपको। फिशिंग है ना, विदेशी पार्ट है तो मछली पकड़ना उसका बंद हो गया, बोटिंग करना उसका बंद हो गया, केनोइंग करना उसका बंद हो गया, स्विमिंग करना उसका बंद हो गया, सारी पानी की एक्टिविटी खत्म, है ना। अनेबल टू एंजॉय, एंजॉय नहीं कर पाता था वो। क्या क्या, फिशिंग, बोटिंग, केनोइंग, स्विमिंग। फिशिंग मछली पकड़ना होता है, बोटिंग नाव चलाना होता है, केनोइंग भी नाव चलाना होता है, स्विमिंग तैरना होता है, सब बंद हो गया उसका, कुछ नहीं रहा उसके जीवन में, सब सारे का सारा खत्म। अब क्या होता है, उसने सोचा कि यार ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, बंदे ने हायर कर लिया, किराए पर ले लिया एक इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग सिखाने वाला बंदा, उसने एक स्विमिंग सिखाने वाले बंदे को इंस्ट्रक्ट कर लिया, उसको हायर कर लिया, किराए पर कर लिया, मतलब अब उससे वो स्विमिंग सीखेगा। अब उससे क्या सीखेगा वो, अब उससे वो स्विमिंग सीखेगा। और स्विमिंग उसने कैसे सीखी, पीस बाय पीस, डे बाय डे, धीरे धीरे, पीस बाय पीस, टुकड़ों में सीखी। पहले पहले पानी में पैर चलाना सीखा, पानी में हाथ चलाना सीखा, अंदर मुंह करना, बाहर बाहर निकालना, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर, है ना। श्वास अंदर मतलब श्वास बाहर से लेना और अंदर जाके फूंक मारना, है ना, ऐसा उसने धीरे 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 पीस बाय पीस उसने सीखा। क्या क्या सीखा उसने, उसने सीखा सर 3 महीने तक, उसने 3 महीने तक क्या क्या सीखा, उसने सीखा तो 13। जो इंस्ट्रक्टर था, उस इंस्ट्रक्टर ने क्या करा, वो इंस्ट्रक्टर उसके उसके चारों तरफ बेल्ट बांध दे, उसके कमर पर बेल्ट बांध देता था, है ना, और उसको पानी पे लिटा देता था, उसके बेल्ट बांध कर एक पुल्ली, एक रस्सी से उसको खींच, एक पुल्ली बांध देता था, एक रस्सी से जैसे डूबने वाला होता था तो रस्सी से खींच लेता था, ऐसा ऐसा उसने कुछ करा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुट ए बेल्ट अराउंड हिम, उसके चारों तरफ क्या बांध देता था, उसके चारों तरफ बेल्ट लगा देता, अराउंड हिम, उसके चारों तरफ उसने क्या लगा दिया, बेल्ट लगा दिया। पुल्ली, PULLY भाई, पुल्ली एक प्रकार की मशीन होती है, पुल्ली एक प्रकार की मशीन होती है, विद ए व्हील रोप, वहां पर एक पहिया घूमता रहता है, एक रस्सी निकलती रहती है, तो पुल्ली, पुल्ली से रस्सी बांधकर बेल्ट पर वो उसको बांध देता था, ऐसा वो कुछ करता था। तो तुमसे पुल्ली का मीनिंग पूछा जाएगा तो एक मशीन है व्हील रोप की, घूमने वाले पहिए की रस्सी, घूमने वाला पहिया और रस्सी, ऐसा कुछ, है ना। ऑल द स्ट्रोक्स, हर एक प्रकार की एक्टिविटी ऑफ स्विमिंग, मतलब हर एक प्रकार की कलाकृति, कलाबाजी, हर एक प्रकार की मतलब स्टाइल, स्ट्रोक्स मतलब स्टाइल, हर एक प्रकार की स्टाइल उसने सीखी स्विमिंग में। 3 महीने तक उसने सारी की सारी स्टाइल सीखी। कौन कौन सी स्टाइल, इनहेल एंड एक्सहेल, याद करना, ऐसा का ऐसा ही रटना, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, इनहेल मतलब अंदर श्वास लेना, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना, श्वास लेना बाहर निकालना, श्वास लेना बाहर निकालना, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, रटना इसको, याद करना। इसी प्रकार से इन एंड आउट ऑफ वाटर, इन मतलब पानी के अंदर, आउट ऑफ मतलब पानी के बाहर, इन एंड आउट, इन एंड आउट,
इन एंड आउट ऑफ वॉटर, ठीक है सर। बैक एंड फोर्थ, कभी पीछे जाना कभी आगे आना, कभी पीछे जाना कभी आगे आना, ये सारी एक्टिविटी, ये सारे स्ट्रोक्स सीखे। बैक मतलब बैकवर्ड, पीछे की तरफ, तुमसे पूछा जाएगा बैक का मतलब बैकवर्ड, पीछे की तरफ, और फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ जाना, पीछे की तरफ आना, आगे की तरफ जाना, पीछे की तरफ जाना, ये सारी की सारी चीजें उसने सीख ली। 3 महीने लगे उसको, लेकिन 3 महीने बाद में भी वो नॉट श्योर, 3 महीने के बाद में भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि यार मैं तैरना सीख गया। प्रैक्टिस करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, कोई विश्वास नहीं हुआ। तो एक बार क्या होता है, 6 महीने बाद में, सीखने के 6 महीने बाद में, आफ्टर 6 मंथ, ये सारी बातें याद रखनी है। 6 महीने बाद में बंदा ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, 6 महीने के बाद में भी उसको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा सारा का सारा टेरर, टेरर शुरू शुरू में आया था डर, सारा का सारा डर चला गया है, उसको विश्वास नहीं था, नॉट श्योर कि ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, बोलो ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, कि सारा का सारा डर चला गया है, उसको विश्वास नहीं हुआ। टेरर स्ट्रिकन, पूछा जाएगा टेरर स्ट्रिकन का मीनिंग क्या होता है, डरी होता है, जिसके 3-4 वर्ड है, स्केयर्ड डरना होता है, अफ्रेड डरना होता है, फ्राइटनड डरना होता है, ये तीनों याद करने हैं। फ्राइटनड मतलब डरना, अफ्रेड मतलब डरना, स्केयर्ड मतलब डरना, बताया था ना, ही गॉट अफ्रेड, तो ही गॉट अफ्रेड, ही गॉट फ्राइटनड, ही गॉट स्केयर्ड, बात एक ही है, ही गॉट अफ्रेड, वो डर गया। तो टेरर स्ट्रिकन का मतलब डर, उसका डर चला गया है क्या, उसको विश्वास नहीं था। उसको पानी में जब भी वो कभी जाता था तो तैरना तो सीख गया था, वो अच्छा तैराकी बन गया था, लेकिन कभी कभी उसको कभी कभी वेस्टीज आ जाते थे। वेस्टीज का मतलब कभी कभी वो जो पानी में डूब गया था ना, वो पानी में डूब गया था, वो YMCA पुल में वो डूब गया था, वो सारी की सारी बातें उसको याद आ जाती थी। वेस्टीज मतलब वो साइन, वो जो डूबने वाले साइन थे, वो पैरालिसिस आना, आंखें बाहर आना, फेफड़ों में से हवा निकल गई, सब खत्म, हवा टाइट हो गई, वो सारी बातें उसको याद आ जाती थी, वो सारे साइन उसको दिखने लग जाते थे पानी में कभी कभी। तो भाई साहब 6 महीने निकल गए, उसकी हालत हो गई टाइट, एक बार क्या करता है, एलोन इन द पूल, अकेला ही पूल में तैरता है, इधर से लेकर वहां तक, यहां से लेकर वहां तक पूल में तैरता है। लगा उसको थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है, मतलब मैं तैर तो सकता हूं। फिर क्या करता है वो, फिर वो एक झील पर जाता है। अब ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, लेक, एक झील में जाता है, वेंटवर्थ, वो वेंटवर्थ नामक झील पर जाता है। तुमसे पूछा जाएगा वेंटवर्थ नामक झील कहाँ है, तो तुम्हें याद करना है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में एक लेक है, एक झील है वेंटवर्थ, उसमें वो तैरता है, तैर लेता है, वहां पर वो तैर लेता है। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर एक जगह है, उस जगह पर एक झील है, उस झील का नाम है वेंटवर्थ, वो वेंटवर्थ नामक झील में तैरता है, और वो वेंटवर्थ झील कहाँ है, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, तैर लिया। यहां तैरने के बाद में फिर वो जाता है मिड ग्लेशियर में, ये भी नाम है, यहां पर भी जाता है, पहले वो यहां जाता है, पहले तो पूल पर जाता है, पूल में तैरता है, फिर वो न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ नामक झील पे जाता है, वहां तैर लेता है, फिर मेड ग्लेशियर में जाता है, यहाँ तैर लेता है, फिर गोता लगाता है, गोता कहाँ लगाता है, वार्म लेक में, ये भी एक लेक है, ये भी एक झील है, वार्म लेक में, वार्म लेक में गोता लगाता है, डाइव्ड इनटू, याद कर लेना, डाइव्ड इनटू गोता लगाना, डाइव्ड इनटू गोता लगाना, DIVED, डाइव्ड इनटू गोता लगाना। कौन सी झील में डाइव्ड इनटू करता है, वार्म लेक में, WARM, वार्म लेक में, कौन सी में, वार्म लेक में। और ग्लेशियर कौन सा था सर, ग्लेशियर था मीड ग्लेशियर, और हैम्पशायर में कौन सी झील थी, हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील थी, यहां वो तैरता है, तैर लेता है यार, वो तैर लेता है, है ना, अब उसको तैरना आ गया, वो तैर लेता है 6 महीने में, 6 महीने के बाद वो यहां यहां वो चला जाता है। ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, एलोन इन द पूल, लेक वेंटवर्थ, ये सारी बातें अभी आई थी, मिड ग्लेशियर, डाइव इनटू वार्म लेक, यहां यहां वो चला जाता है। अब तुम्हारा पार्ट का लास्ट पैराग्राफ आता है, ये कुछ बातें हैं कि सर देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। फिर वो सोचता है कि यार मृत्यु का डो, मतलब जो डर है ना, अगर तुम डर से डरोगे तो वो डरना ही तुम्हारी मृत्यु है। तुम जो, एक डायलॉग भी है, जो डर गया वो मर गया, शोले मूवी का डायलॉग है, है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, वो वाली मूवी। कितने आदमी थे जो डर गया वो मर गया, ये वही बात लिखी है यहाँ पे कि टेरर, देयर इज टेरर, टेरर वही है, डर वही है, ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ, मृत्यु का डर ही सबसे बड़ा डर है, उसको भगा दो कोई डर ही नहीं है, ऐसा बोला गया। ठीक है, रूजवेल्ट एक कोई नया बंदा है, कोई नाम है, ये कोई राइटर है,
वो उन्होंने कहा है जीवन में, अपने जीवन में उन्होंने कहा है कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमें केवल डर से ही डरना है ना, हमें केवल डर से ही डरना है, इसको भगा दो, अगर हम डर से डरना छोड़ देंगे तो हम जीत जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया है दोनों की दोनों चीजें, सेंसेशन ऑफ डाइंग, मैंने मरने जैसा अनुभव भी किया है और मैंने डर जैसा अनुभव भी किया है, ऐसी ऐसी कोई बात है। ये जब आपको लेसन पढ़ाएंगे तो पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और एट लास्ट अंत में आई फेल्ट रिलीज, मुझे रियलाइज्ड हुआ, मुझे महसूस हुआ फ्री, वॉक द ट्रेल्स की, आराम से मैं हर एक जगह जा पा रहा हूँ, क्लाइंब कर पा रहा हूँ, चोटियों पे जा पा रहा हूँ, और मैंने मेरे डर को दूर भगा दिया है। मतलब इस पूरे लेसन के अंदर जो हमारे राइटर है विलियम डगलस, ये विलियम डगलस की कहानी थी कि बचपन में 3-4 साल की अवस्था में उनके साथ में क्या ट्रेचरस घटना हुई, क्या मिस एडवेंचर हुआ, जब वो 11-12 साल के थे तो क्या मिस एडवेंचरस एडवेंचर हुआ, फिर इंस्ट्रक्ट करा उसने, किसी इंस्ट्रक्टर को हायर किया, 3 महीने तक सीखा, 6 महीने बाद में वो कौन कौन सी झीलों में गया, वार्म लेक में गया, हेम्पशायर की झील में गया, ग्लेशियर में गया, यहाँ यहाँ वो सब जगह तेरा, है ना। इस तरीके से ये जो हमारा लेसन था डीप वाटर करके, जिसको विलियम डगलस ने लिखा था, उसकी पूरी समरी हमने पढ़ ली है। ये जो समरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई, ये समरी कैसी लगी जरूर से अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, जो भी 12th क्लास के अंदर है, चाहे राजस्थान का बच्चा हो, चाहे यूपी का बच्चा हो, चाहे मध्य प्रदेश का बच्चा हो, जहां भी ये क्या नाम डीप वाटर चलता है, जरूर से ये समरी आप भेजिएगा, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। इसके अलावा अब जो अगला वीडियो आएगा वो पूरे पाठ का आएगा, पूरा पाठ हम पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स में डीप वाटर के शुरू करूंगा। अभी मैं विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।